मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ, पर मुझसे ज्यादा नहीं। बिल्कुल आपकी जैसी लग रही है। चुप कर, कितनी मोटी है ये, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है। बिल्कुल भी यू नो फिगर कॉन्शियस है ही नहीं इन लोगों को। चाची, कॉन्शियस नहीं कॉन्शियस। ओह, बात तो एक ही है ना, तुझे समझ में आ गई वर्ल्डिंग में क्या रखा है। हेलो जी, हेलो, आओ जी, बड़ा वाला थैंक यू जी। आओ जी, अंदर आओ जी, अंदर आओ। ले, कितनी पुराने डिजाइन की ज्वेलरी पहनी है इसने, मेरी देख कितनी नई है। मम्मी जी, मेरी भी देखो कितनी सुंदर है। वो तुम क्या कर रही है? वो दीदी, वो लड़का देखो ना, कितना सोना है, उसको देखकर ना मेरा दिल धक धक करने लग गया। ओ जी, नमस्ते नमस्ते। आओ जी, बड़ा वाला थैंक यू जी। आप आए, बाहर आई, कभी अलविदा ना कहना जी। गुरविंदर, आइए जी, आइए आइए आइए। चाची, शादीशुदा है वो, की फर्क पड़ता है? बेबी शुरू हो जाती है, मौका भी नहीं देखती। मेहमान है हमारे, आपके मेहमान मेरे दिल में आके बसना चाहते, तो मैं क्या करूं? वैसे भी मेरा दिल मानता ही नहीं है ना। पाउडर है ये। ओहो, आपको तो पता है, जब से मोंटी के पापा मुझे छोड़कर कहीं भाग गए, मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जी जिद रखो जी, देखो कौन कौन तशरीफ ला रहे भाई। और मेरी पुरानी सावधान छिंदी चोड़ सवित्री श्वेता, और पुत्र स्वागत कर हार बिना जूतों के। ओ सवित्री, ओ भाई, इतने आलिशान अमीर घर में आई है, ओ इतना बड़ा फंक्शन है, ये पुराने से ही कपड़े पहन के आ गई। ओ भाई, इतनी बुरी हालत हो गई है, नए कपड़े भी नहीं खरीद सकती। हाँ हाँ है वही, पर मैं ना तेरी तरह नहीं हूँ। अमीर ना? ओए अमीर नहीं, फकीर। ओए, अपनी मेहनत की कमाई से पहना हुआ पुराना कपड़ा भी ना अच्छा लगता है। तेरी तरह नहीं हूँ, दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पे ऐश कर रही है। बच्चे पे आकर तो मुझे ही सुना रही है, मैं तेरे को बता तो क्या बताऊंगी। प्लीज शांत हो जाइए बीजी, इसे समझा ना, ये तरीके घर आए मेहमान से बात करने का, ये मेरी औकात निकालेगी तो मैंने भी इसकी जात दिखा देनी है इसको। हम यहाँ रवि के खातिर आए, उसकी खुशी के खातिर आए, प्लीज उसके खातिर। मंजू जी, प्लीज आप भी शांत हो जाइए ना। फरुख, जरा बात शांत कर ले। बात करती है तेरे से मेरी जुत्ती, और बात तो इंसानों से की जाती है, तेरे जैसे शैतान से नहीं। शैतान किसको बोल रही है? अपनी बाबा को भी गुस्सा आ रहा है इसकी बात सुन के, देख तू जरा। जब भी बोलती है ना, कफन ही फाड़ती है। जब आप मंजू जी की आदत जानते हो तो क्यों उनके मुंह लगते हो? हम यहाँ रवि की खातिर आए हैं ना। माय गॉड, इसे क्या जरूरत थी सगाई में आने की? कहीं यहाँ भी कुछ गड़बड़ करने का इरादा तो नहीं इसका? जी, दादी जी, तेरा खुश रहो। नमस्ते। ये छोटा सा तोहफा। दरअसल कुछ खास नहीं लेकर आई, पर ये बेसन के लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाए। चाची, ये मेरे लिए खास ही है, बेसन के लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको मालूम है ना। आप चिंता मत कीजिए। रवि, चाची, दादी मैं भी आया। क्या चाची जी, आप भी? इससे सस्ता गिफ्ट नहीं मिला क्या आपको? फिर क्या जरूरत थी, रहने ही देती? आपको शायद पता नहीं, रवि का टेस्ट अब बदल चुका है, वो अब ये लड्डू वड्डू नहीं खाता। आप एक काम कीजिए ना, इसे अपने घर ले जाइए, रोज कहाँ बनती होंगी ऐसी चीजें, कोई ना कोई तो जरूर खा लेगा।
यहाँ के नौकर भी इसे देखकर मुंह बना देंगे, और वो जो मम्मी जी का पपी है ना, वो तो इसे रिजेक्ट ही कर देगा। प्लीज टेक इट अवे। तू तो खा लेगी ना, क्योंकि तुझे तो शौक है ना रवि की मन पसंद चीजों को छीन लेने का। बेची अब भी तो देखना, रवि की जिंदगी में देविका की जगह लेने के लिए कितनी बेसब्री हो रही है तू। बेची क्या कर रहे हो, तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? आज अगर देविका जिंदा होती ना, तो रवि की जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं होती। तुझे देविका की जूठन मिली है, जूठन। ये बात हमेशा याद रखना तू। मन तो कर रहा है धक्के मार के बाहर फेंकवा दो इन दोनों को। बेटा ये तूफान तुम्हारी भावनाओं का आईना है, और जब तुम्हारे अंदर का तूफान ये बरसेगा ना, तो तुम्हारे दुश्मनों की खुशियों को तबाह कर देगा। लगभग 1.5 साल पहले मैंने इस परिवार में कदम रखा था। शुरू में मुझ में और रवि में बहुत दूरियां थीं, लेकिन फिर भी मैंने इनके परिवार का कभी कुछ बुरा नहीं चाहा। हमेशा इनके घर को आबाद देखना चाहती थी मैं, लेकिन आज इस परिवार में लौट आई हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्हें बर्बाद करने के लिए। अब यही मेरा मकसद है। जरा कंट्रोल में रखिए इन्हें, इनकी उम्र का लिहाज करके कुछ बोल नहीं रही हूँ मैं, वरना मैं देखिए आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बिजली कड़क रही है, लगता है तूफान आने वाला है। कोई तूफान नहीं आने वाला है, मेरी सगाई है, शुभ दिन है आज। कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा तो मत बोलिए। जी वो मुझे इतनी खुशी हुई आज आप दोनों आए। आप दोनों का आशीर्वाद मेरे लिए कितने मायने रखता है आप नहीं जानती। मेरे पापा तो नहीं आ सके, लेकिन आप दोनों ने आकर अपना आशीर्वाद देकर वो कमी थोड़ी भर दी। थैंक यू वेरी मच। रवि चले, और भी गेस्ट वेट कर रहे हैं। रवि वो दरअसल हम सोच रहे थे कि एक बार साक्षी को भी मिल लें। चाची जरूर, लेकिन पहले एक काम कीजिए, आप कुछ खा लीजिए। ओके ज्योति एक काम करो, चाची और दादी का अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से हैं, और उसके बाद साक्षी से मिलवा देना। आई बेची हम भी कुछ गेस्ट से मिलने अब कम। चाची हाँ मोंटी कहीं दिख नहीं रहा, मैंने उसको ना एक काम बोला हुआ। उसको बोला है तो उसको पूछ, मुझे क्यों पूछ रहा है? कमाल लड़का है। मम्मी जी आपको नहीं लग रहा ये प्रोग्राम बड़ा ठंडा ठंडा सा है? क्यों चाची? यस यस टू मच बोरिंग। श्वेता बेबी। हाँ जी मम्मी। आप भी कुछ करो ना। मैं क्या करूं? हाँ भैया इधर आओ। सुनिए 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 अजी सुनिए, यहाँ पर एक रोमांटिक सा डांस होगा, वो भी करेंगे हमारे रवि और निवेदिता। क्लैप। चले? नहीं मिस्टर एक्चुअली मेरा मूड नहीं है। अरे पर क्या, मेरा तो मूड है ना, मेरे लिए तो डांस करो। कम ऑन नो चलो चलो प्लीज मेरी बात बात। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ देविका, शादी से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। साक्षी
साक्षी है? हाय रब्बा, ये क्या हो गया मेरी चंचल सी बच्ची को? मैं इसे इसके बचपने के लिए बहुत डांटती थी, लेकिन आज तो यही सोचती हूँ कि काश काश ये फिर से मेरी वही नटखट पोती बन जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे? अच्छे से जानती हूँ तुम बहुत बुरी हो। तुमने मेरी देविका दी को उसे दूर कर दिया। नहीं साक्षी, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी दादी है। तुम सब लोग इसमें शामिल हो। छोड़ो, तुम सब लोग इस कांड में शामिल हो। जो जो इसमें शामिल है सब मारेगा, सब मारेगा। मैं एक एक से बदला लूंगी, सबसे बदला। छोड़ो, तारानी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। चुन चुन के बदला लेगी तुम सबसे। आप लोग चलिए, ऐसे एक एक करके मरोगे। चलिए ऐसे को वापस आने दो। चलिए लदा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा खोलो दरवाजा, सब मरेंगे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। बीजी क्या हो रेखा? रेखा संभाल अपने आप। क्यों कर रहे हैं माता रानी मेरे साथ? बीजी, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे भक्ति में? बताओ ना, कौन सी कमी रह गई थी? माता रानी ने 9 महीने पहले मेरे जिगर के टुकड़े को दूर कर दिया, और अब ये साक्षी। बीजी, मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती। नहीं, ये क्या हो गया बीजी? आप बोलिए, अम्बे माँ को आपका सुनती है ना? मुझे मेरी दोनों बेटियां चाहिए, सही सलामत चाहिए, मुझे चाहिए। बोलो, मुझ पर दया करे, मेरे बच्चे लौटा दे। बस रवि, अरे क्या हुआ ये लाइट को? कौन है यहाँ पे? अरे लाइट्स कैसे चली गई? हाँ, वोटर पाथ बैकअप, पावर मीटर चेक किया तुमने? तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गो चेक द पावर मीटर, कम ऑन, गो नाउ, कम ऑन। गॉड, सब कुछ आज ही के दिन होना था। कांग्रेचुलेशंस मिस लूथरा। थैंक्स। ये आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। धानी, तक लाइट क्यों नहीं आई? मैं खुद ही चेक कर लूं। अरे रुकिए। एक्चुअली कभी कभी प्रॉब्लम इंसान के बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है, पर तब ऐसा हो जाता है, अचानक जिंदगी में इतना अंधेरा छा जाता है कि सारी दुनिया की लाइट्स मिलाकर भी उस अंधेरे को दूर नहीं कर पाती। क्या मतलब? कुछ नहीं, एक बुक लिख रही हूँ, उसी की कुछ लाइन्स याद आ गई थी। वैसे आज आपकी एंगेजमेंट है ना,
इसका मतलब आज से तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, एक नए बंधन में बनने जा रही हो। वो बंधन जो तुम्हें रवि से, उसके आज से, आने वाले कल से, यहाँ तक कि बीते हुए कल से भी जोड़ देगा, उसकी पहली बीवी देविका से भी। कौन कौन हो तुम? बस तुम्हारी शुभचिंतक बिल्कुल नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो? कौन हो तुम? अरे मिस सूत्र, क्या हुआ? रवि, रवि बाबा। क्या हुआ? क्या हुआ मिस सूत्र? रवि, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है रवि। मिस सूत्र, हुआ क्या? मुझे बताइए तो सही। आज हम तीनों के बीच एक नई कहानी लिखी जाएगी। पहले मैं इस बात से अनजान थी कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अंधेरे में थी, इसीलिए मुझे तुम्हारा काला सच कभी नजर ही नहीं आया। और तुम दोनों मेरे साथ वो शैतानी खेल खेलते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालात पलट चुके हैं, उजाला मेरे साथ है और तुम दोनों अंधेरों से घिरे हुए हो। अब ये बाजी मैं तुमसे बेहतर खेलूंगी, इंसाफ होकर रहेगा। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तुम तो बहुत डरपोक निकली, इतने में ही डर गई। मुझे तो लगा तुम में इतनी हिम्मत है कि किसी की जान भी ले सकती हो, मर्डर कर सकती हो किसी का। ब्लैक रोज़ेस, ये तो नफरत की निशानी है। ऐसा कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है? ऐसा कौन है इस पार्टी में जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है?